वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 30 जो कि है 11th ऑफ सितंबर की वर्कशीट। इसके अंदर हम पहले मैथ देखेंगे, फिर देखेंगे हम अपनी साइंस की वर्कशीट। मैथ की जो वर्कशीट के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी देख ली थी, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी कौन कौन से टाइप की है। यहाँ पर उन्होंने कुछ थ्योरम दे रखी है, पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो साइड्स इक्वल दे रखी हो तो इसके जो सामने वाला जो एंगल होता है वो भी इक्वल हो जाता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। यहाँ पे कन्वर्स लिखा है, कन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो तो उसके सामने वाले जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैं क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा बिकॉज ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो आपके सामने यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन दे ही दिया, प्लीज आप इसको रीड करें आफ्टर गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस, जो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं अभी आपको दे देता हूँ। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट एंगल ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने की जरूरत है। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए बी सी। अब हमने लास्ट कुछ वर्कशीट्स में पढ़ा था, समझने की कोशिश करी थी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है और उसकी खास बात क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके सामने, मतलब दो साइड इक्वल होती हैं और उसके सामने वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाता है। मतलब अगर ए बी सी बोल दिया जाए, अगर बोल दूं ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने क्या होगा, एंगल बी भी इक्वल होगा। हम इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें करेंगे। तो पहले तो गिवन लिख देते हैं। गिवन हो गया ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम करने वाले हैं प्रूफ। अब इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, ये चीज़ पता है हमें। देयरफॉर एंगल ए बी के सामने वाला कौन सा है, सी इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब हमें एक और चीज़ पता है कि ट्राइंगल जो है उसका एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एज वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए बी और सी सब इक्वल हैं एक दूसरे के, तो मैं एंगल ए को एंगल ए लिख देता हूँ, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, तो मैं एंगल ए लिख देता हूँ, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के, एंगल ए लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर एंगल ए ही क्यों लिख रहे हो, कोई भी लिख लो, बी लिख लो सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तीन बार आ रहा है, सो थ्री एंगल ए इक्वल्स 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स 180 डिवाइडेड बाय थ्री, एंगल ए इक्वल्स 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल ए 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी भी 60 डिग्री हो जाएंगे। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन डन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पता है कि क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी। क्या इन्होंने बताया कौन सी दो साइड इक्वल है? पढ़ लेते हैं आगे। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। तो इन्होंने बता दिया है कि ए सी और ए बी इक्वल है, तो मैं यहाँ पर गिवन में लिख दूंगा ए सी इक्वल्स टू ए बी। तो रूल याद रखें, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ें फिर धीरे धीरे पढ़ें। ए ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच बी ई, तो बी से एक लाइन जा रही है जो कि एल्टीट्यूड बना रही है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये पॉइंट हो गया ई। बी ई एंड सी एफ, ये हो गया एफ पॉइंट, दोनों 90 डिग्री है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये तो एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ हो गई एंगल ई एंगल एफ, दोनों क्या है 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड हमने बनाई है बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, हमें ये चीज़ इक्वल प्रूव करनी है। तो अब हम देख लेते हैं इसको प्रूफ करना कैसे है, अब कौन से दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो प्रूफ के समय हम देख लेते हैं क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ प्रूफ करनी है। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको फिगर इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है। दूसरा, यहाँ से अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करें तो ऐसे, तो मुझे एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक तो तरीका ये है देखने का, दूसरा तरीका है नीचे से ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ये बना दिया और एक ये, तो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब मैं कौन सा लूँ जिससे मुझे मदद मिले, तो हमें देखना पड़ता है कि गिवन कौन सा है और क्या प्रूफ करना है। ए सी ए बी इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए जिसका मदद हमें शायद मिल जाए। तो अगर मैं देखूँ ए सी ए बी वो इस फिगर में है और एंगल ई एंगल एफ भी इस फिगर में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें से एक ट्राइंगल ले लूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा और एक ये साइड, तो हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो हम ये वाला फिगर ले सकते हैं, हम ये वाला भी फिगर ले सकते थे, बट इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। तो मैं ये वाले दो ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल ए, ठीक है, ए एफ सी, आपको दिखाने के लिए सर्कल कर रहा हूँ, ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए ई बी। आपको दिख गया होगा कि ये दो ट्रायंगल मिल गए। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए, अब चाहे तो आप इसको अलग से बना लें, मैं तो हमेशा बना के देखता था ताकि मुझे सही ढंग से दिख जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या था, ए था एफ और ये था सी, ये क्या था ए, ये था बी और ये था ई, ठीक है। तो साफ साफ अब दिखाई दे गया, अब यहाँ पर ए सी इक्वल इसके, अब लिख देते हैं जो जो चीज़ें इक्वल है। ए सी इक्वल्स टू ए बी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन, क्योंकि दे रखा था ये। एंगल ई एंगल एफ जो है वो इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तीसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल एफ ए सी इक्वल टू एंगल, देखो एफ ए सी इक्वल टू ई ए बी, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। ओके, तो ये तीन चीज़ें हो गई। अब आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया और ये वाली साइड ली, तो एंगल एंगल साइड कौन सी हो जाएगी, देयरफॉर ट्राइंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई बी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया।
अब दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एक प्रॉपर्टी यूज होती है सी पी सी टी। उम्मीद होगा आपको याद होगा, तो उसकी जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। एफ सी जो हमें चाहिए यहाँ पर इज इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस वीडियो को देखें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पर भी इक्वल साइड दे दी है, तो मैं पहले ए बी और ए सी बना लेता हूँ। ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है तो ये दोनों मैंने मार्क कर दिए इक्वल, तो यहाँ पर मैं गिवन में लिख दूंगा ए बी इक्वल्स टू ए सी। उसने एक और चीज़ बोली थी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ई जो है वो पहले वाले से है, एफ जो है दूसरे वाले से। ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट, तो मैं इसको ई बोल देता हूँ, और एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब होता है आधा आधा, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो वो भी हमारे लिए गिवन हो गया। तो ए ई इक्वल्स टू ई बी, और दूसरी चीज़ मिल गई ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी, शो दैट। अब हम उन्हें प्रूव करना है, टू प्रूव बी एफ, बी एफ का है ये लाइन बनानी पड़ेगी इज इक्वल्स टू सी ई। तो यहाँ से यहाँ लाइन बनानी पड़ेगी, तो सेम देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम सिमिलर सा है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू करा था। तो ये बेसिकली ये जो शेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन इसमें दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप कौन सा ट्राइंगल लें ताकि हमारे पास ये सॉल्व हो सके। अब आप एक चीज़ देखेंगे, इन्होंने मिड पॉइंट दिया था, एंगल नहीं दिया था, मतलब ये 90 डिग्री है। तो इस बार हमें जो है नीचे वाले दोनों लेने पड़ेंगे। कैसे ये देखते हैं, ये देख रहे हैं ये यहाँ पर है एक ट्राइंगल ई बी सी, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएगा बी सी एफ। ओके, तो पहली चीज़ अब समझने की कोशिश करेंगे। देखो ए बी और ए सी इक्वल था ना, ये दोनों लाइन इक्वल थी, ए बी और ए सी इक्वल था। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का। अब मैं इसको काटने वाला हूँ ई पॉइंट से, तो ये कितना हो जाएगा 5 5। इसको भी काट देते हैं क्योंकि उसने F बोला उसको F पॉइंट से, तो ये भी हो गया 5 5। तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल, मतलब सारे के सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। तो इसका मतलब BE जो है वो इक्वल हो जाएगा FC के 5। एग्जैक्टली 5 नहीं है बट हाँ वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर? दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर ट्राइंगल देखूँ मैं ABC, उसमें ये दोनों साइड इक्वल थी तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें सारी की सारी क्या है लिखनी पड़ेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल, सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पर, ए बी है तो सी होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, कौन सी प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई बी और सी वाली। अब एज ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ये लिखने का सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है, घबराएं नहीं। हाफ का मतलब हो गया मिड पॉइंट, तो ए बी का हाफ मैं ले रहा हूँ ई बी और यहाँ से ले रहा हूँ एफ सी। देख रहे हैं ये ई बी एफ सी, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। इन ट्राइंगल ई बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी बी, पहली कौन सी इक्वल चीज, ये ले लेते हैं ई बी इक्वल्स टू एफ सी फ्रॉम टू, इसको ले लेता हूँ फ्रॉम वन। दूसरी कौन सी इक्वल चीज,
सर ये वाली नहीं है, ये वाली एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी फ्रॉम वन। तीसरी चीज देखो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, वो ज्यादातर क्या होती है कॉमन। तो ये देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में बीसी बीसी कॉमन था, तो हम लिख देंगे बीसी इक्वल्स टू बीसी कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ई बी सी इस कॉन्गेनेंट टू ट्राइंगल एफ सी बी। तो कौन सी प्रॉपर्टी से देखते हैं, तो ये वाली हमने ली है इसके साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो ये हो गया हमारा कॉन्गेनेंट। अब उसमें क्या बोला था बी एफ और सी ई बताओ। सो बी एफ यहाँ पे मिल गया, सी ई यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ पे यहीं पे जगह है थोड़ी सी लिख देता हूँ सी ई इक्वल्स टू बी एफ। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी सी पी सी टी। तो एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या है। देखता हूँ आप लोगों को याद है नहीं याद, लास्ट वर्कशीट में कराया था, अगर भूल गए हो तो रिवाइज करके वहाँ पे जाएं देखें समझें, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉरवर्ड करें वीडियो को, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय स्टूडेंट्स, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं साइंस की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक जो है मोशन का, जिसके अंदर है वेलोसिटी आज का टॉपिक। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे जो वर्ड है डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड का ही एक फॉर्म है। स्पीड के अंदर आपको बस बताया जाती है उसकी स्पीड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर सिर्फ। वेरस वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लाइक स्पीड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई वी। जैसे हम स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स स्पीड। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया, जैसे स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट लास्ट वर्कशीट में कुछ बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का फिगर था, आप पहले यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर वापस आ गए। तो देखिए जैसे आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यहाँ से आपने स्टार्ट करा था इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ओके। और वहीं पर ही आप वापस आ गए तो उसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। इसी पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट भी बोल देंगे। तो जैसे आप वापस यहीं पे पहुंच गए तो इस डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सबसे छोटा रास्ता क्या लगा। अब आप ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हैं एक जगह पर, और आप डायरेक्टली जा सकते हैं सीधा स्ट्रेट, अभी स्ट्रेट लाइन ही बनी है सीधा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर आप ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं पहाड़ के आसपास से, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई और इस तरीके से छोटे छोटे डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वर्कशीट में जो है ना उसको थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, अगर वो छोटा सा डाउट हुआ। अगर पूरा वीडियो चाहिए होगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बट स्टिल आप बताएं ताकि जब भी हमारे पास मौका लगे तो हम उसके ऊपर बना सकें। तो आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़कर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके अंदर डिस्टेंस सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें वो मेजर करा जाता है। इट कैन बी जीरो ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। इफ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू द स्कूल एंड बैक फ्रॉम स्कूल टू होम द सेम रूट इज 10 मीटर, इन दिस सिचुएशन यू विल हैव द स्पीड, बट हेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो जैसे कि इसने बताया कि आप अपने घर से पहले आप गए स्कूल और फिर स्कूल से वापस घर आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे चलते हैं इसके और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द
जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी लाइन में जा रहा होता है, जैसे हाईवे समझ लीजिए, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेलोसिटी बाय दिस फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इसको यू बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी को प्लस फाइनल वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, और इसके आगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी गई है। यूनिफॉर्म मोशन हो गया जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस। याद होगा आपने पिछली क्लास में, पिछली वर्कशीट में एक ग्राफ देखा था, और उसमें हमने पता लगाया था कि एक जगह से जैसे ये दो तीन ग्राफ जा रहे थे इस तरीके से, उससे हमें सिर्फ ग्राफ देखने से ही पता चल गया था कि कौन सी लाइन जो है, कौन सी कार जो है वो तेज चल रही है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, मैं बता देता हूँ आंसर जो है इसका वो ए है, बिकॉज ए का जो डिस्टेंस है वो कम टाइम में ज्यादा कवर हो रहा था। तो बेसिकली जब वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक ही बराबर बराबर चलना। इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली होता है जिगजैग, इस तरीके से सांप की तरह चल रहा है बेसिकली, या तो सांप की तरह चल रहा है या फिर उसकी जो वेलोसिटी इस तरीके से कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी रुक रहा है, इस तरीके से। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म का। तो आगे इन्होंने दे रखा है टू टाइप हो सकता है एक्सेलरेशन मोशन। एक्सेलरेशन मोशन होता है जब बढ़ता है, इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। रिटार्डेशन मोशन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, डिक्रीज इन टाइम, ठीक है ना। जो वेलोसिटी है जो उसकी वो कम होती है टाइम के साथ। आगे चल देते हैं, इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है और उसके बाद दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल आप अपना खुद ट्राई करके देखें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पिछली वाली वर्कशीट और इस वाली वर्कशीट से मिला के हमने कुछ पॉइंट्स इसमें डाले हैं, तो अभी मैं आपको एंड में इसका आंसर दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। इफ अ कार ट्रेवल 100 मीटर इन 25 सेकेंड्स, फाइंड द वेलोसिटी। सो 100 अपॉन, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 100 जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 25 से, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 100 अपॉन 25 का आंसर हो गया 4। ध्यान रखें 4 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आंसर लिखें। ओके, तो आगे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, गलती वाला ले लिया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऑन एन हाईवे, देन आइडेंटिफाई द मोशन। मोशन कौन सा है? तो मोशन हो गया ये वाला यूनिफॉर्म मोशन, तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक ऑन मूविंग बाइसाइकिल, व्हाट टाइप ऑफ मोशन। तो बाइसाइकिल में ब्रेक कर रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आंसर नंबर हो गया 4। अब हम आपको दिखा देते हैं आंसर नंबर 1, और ये जो है आपके सामने वो है आंसर नंबर 1। हमने यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन और स्पीड की डेफिनेशन दे दी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वेयर स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, चाहे कम से कम हो, 1 हो 10 हो, बट उसकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी। वेरस वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन से मैटर करती है, तो इसलिए वो क्या होती है, वो 0 भी हो सकती है। तो साइंस की वर्कशीट में इतना ही, अब हम अगली वर्कशीट में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।